नमस्कार दोस्तों, क्रेजी टीवी पर आपका स्वागत है। जैसा क्रेज क्रिकेट का इंडिया में है, वैसा किसी और खेल का नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजीज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर जो टेक्नोलॉजी आती है उसका नाम है 360 डिग्री कैमरा एंगल व्यू। ये 360 डिग्री कैमरा आपको ग्राउंड के हर तरफ लाइव देखने की छूट देता है। इससे आप मैच को अपने मन मुताबिक एंगल से लाइव देख सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा एंगल व्यू के बाद में दूसरे नंबर पर होकाई टेक्नोलॉजी। होकाई कैमरा टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बिना क्रिकेट में सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह टेक्नोलॉजी है तो पुरानी, लेकिन यूज बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके जरिए LBW, बॉल की ट्रेजेक्ट्री, स्पिन स्पीड, हाइट जैसी कई प्रेडिक्शंस को किया जाता है। इसका यूज आमतौर पर रिव्यू सिस्टम या रिप्ले सिस्टम्स के लिए किया जाता है। होकाई टेक्नोलॉजी को IPL और क्रिकेट में काफ़ी सफलता मिली है। होकाई टेक्नोलॉजी के बाद में हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर स्नीकोमीटर टेक्नोलॉजी। स्नीकोमीटर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि प्लेयर के बैट और बॉल के इन्वॉल्वमेंट का सही से पता चल जाता है। यह टेक्नोलॉजी क्रिकेट में अंपायर को सही डिसीजन लेने में मदद करती है, जिससे कि खेल में खेल भावना बरकरार रहे। इसे अमूमन रिव्यू लेते समय थर्ड अंपायर के द्वारा यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्नीकोमीटर टेक्नोलॉजी के बाद में हम बात करते हैं चौथे नंबर पर आने वाली कैमराज की टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे जैसे क्रिकेट का क्रेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्रिकेट को शूट करने वाले कैमराज का विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। आज के समय पर क्रिकेट शूट करने वाले कैमराज की क्वालिटी को भी बहुत बढ़ा दिया गया है। जैसे कि क्रिकेट में मुख्य रूप से स्पाइडर कैमरा और बगी कैमरा। अगर हम स्पाइडर कैमरा की बात करें तो यह ग्राउंड के ऊपर से केबल की मदद से लटक कर मैच के एक बेहतर व्यू को शूट करता है। और दूसरी तरफ बगी कैमरा ग्राउंड लेवल पर टायर्स के माध्यम से ग्राउंड में हो रही एक्टिविटीज़ और मैच को रिकॉर्ड करता है। अगर हम IPL की बात करें तो एक IPL मैच में लगभग 100 कैमराज का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, कैमराज की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के बाद पांचवें नंबर पर आती है LED विकेट्स की टेक्नोलॉजी। LED विकेट्स बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। अगर बॉल इन्हें हिट होती है तो ये विकेट ब्लिंक करने लग जाती है, जिससे अंपायर को सही डिसीजन लेने में आसानी होती है। LED विकेट्स की अमूमन प्राइस 32 लाख की होती है। याद रखिएगा कि ये इंटरनेशनल LED विकेट्स की प्राइस है और ब्रांड्स के नाम से इनकी प्राइस बढ़ती ही जाती है। छठे नंबर पर आती है हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी। हॉटस्पॉट एक इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम है जिसका उपयोग क्रिकेट में इसलिए किया जाता है ताकि अंपायर को पता चल सके कि बल्लेबाज का कोई हिस्सा जैसे ग्लव्स, पैड या बैट का बॉल के साथ कोई अटैचमेंट तो नहीं हुआ है। यह टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड रेज के माध्यम से चलती है। हॉटस्पॉट का अमूमन उपयोग थर्ड अंपायर के द्वारा किया जाता है और इसकी जगह ज़्यादातर स्नीकोमीटर का ही यूज किया जाता है। दोस्तों, हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी के बाद में बात करते हैं सातवें नंबर पर VR टेक्नोलॉजी के बारे में। VR का मतलब है वर्चुअल रियलिटी। VR बॉक्स एक ऐसा हेडसेट होता है जिसकी मदद से आप क्रिकेट ग्राउंड का रियल टाइम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस VR टेक्नोलॉजी को IPL में हाल ही में Jio के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे कि आप क्रिकेट मैचेस में और ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हैं और आने वाले इंटरनेशनल मैचेस में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। दोस्तों, VR टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के बाद आठवें नंबर पर आती है चिप इन क्रिकेट बॉल वाली टेक्नोलॉजी। हाल ही में नई इनोवेशन हुई है जिससे कि बॉल की सभी डिटेल्स का पता एक छोटी सी चिप से हो सकता है, जैसे कि बॉल हाइट, सिक्स डिस्टेंस, बॉल ट्रेजेक्ट्री, लाइन एंड लेंथ, इन्वॉल्वमेंट विद बैट और प्लेयर आदि चीज़ों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी क्रिकेट जगत में कारगर साबित हो सकती है। ऐसी चिप वाली बॉल्स को स्मार्ट बॉल्स कहा जाता है। चलिए, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्रेजी TV को सब्सक्राइब करना न भूलें।